अब्बा को उठा के क्या करो? जाता, अब मुझे स्कूल जाना। नहीं, स्कूल नहीं जाना, छुट्टी, आज संडे है। संडे वाले दिन 9 बजे उठ के बैठी हुई है लड़की, ये एक दिन देर तक नहीं सोने देती, ये चुड़ैल, ये चुड़ैल। सलाम करो सबको, मुंह से बोलते हैं ना। अच्छा, नहीं तो सीक्रेटली बोल रही हो। उठते के साथ ही जी सुहा को नाश्ता करा के रेडी करा, और ये मैं बना रही हूँ वाइट हांडी। इधर बन रही है अम्मी की भिंडी फ्राई, बाबा का दिल हो रहा था। ये मैंने आटा गूंद दिया है, और जी हमारी रोटी भी डल के तैयार हो चुकी है। बस अब मगरिब की अज़ान होने वाली थी तो रोटियां भी डल गई थी, एंड अब इसको ढकेंगे। और हमारी हांडी भी ऑलमोस्ट डन है। मैंने इसमें कसूरी मेथी, हरा धनिया, हरी मिर्च सब डाल के अच्छे से रख दिया। तो सोहा ने चिकन हांडी नहीं खाई, सोहा खा रही है भिंडी का शोरबा अपने हाथ से खुद, है ना। और सोहा को कितना काटा हुआ है मच्छर ने, दिखाओ सबको ही, देखो कितना सारा काटा हुआ है मच्छर ने। तो जी किचन सारा सॉर्ट हो गया है, और मैंने जो है पानी गर्म होने रखा है, किचन साफ़ हो गया है, टॉप वॉप भी साफ़ हो गया है, कपड़े मैंने तय कर दिए हैं। ये बेड कवर धोया था, ये भी क्या कहते हैं बिछाऊंगी बेड पे। टेबल भी साफ़ हो गई है, डस्टिंग यहाँ की हो गई है। अब मुझे जाना है अपने रूम में, देख लें ज़रा, ये होता है आलम स्कूल भेजने के बाद। अब मोर नाइट सूट उधर पड़ा हुआ है, पैंट इधर पड़ी हुई है, अब ये सब समेटूंगी एंड देन आप लोग को मैजिक दिखाती हूँ। टना, तो जी ये साफ हो गया। दिखाओ क्या क्या बना रही हो? मम्मी को बना रही हो? कौन है आपकी मम्मी? अम्मा अम्मा है आपकी मम्मी? ये मैं हूँ। बेड पे नहीं करना, चादर मैंने अभी बदली है। सबको सलाम तो कर दो, सलाम तो कर दो सबको, जोर से बोलते हैं ना। पहले आप जोर से तो कीजिए। वाइट कलर नहीं है ना ये, वाइट नहीं है, ब्लैक है। ब्लैक, सलाम तो कर दीजिए जोर से सबको। शाबाश। और यहाँ देखें ऊपर चढ़ के क्या हो रहा है, चावल जो भीगे हुए हैं, क्या हो रहा है सुहा यहाँ पर? मैं जनाब आज बनाने लगी थी बिरयानी, क्योंकि समीर का बहुत मूड हो रहा था। तो समीर ये सारी सब्जियां लेकर आया था, ये पुरानी सब्जी का बॉक्स है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। सबसे पहले जी चिकन धोएंगे, आधा किलो चिकन ले लिया है, उसके लिए ये प्याज है। टाइम हो रहा है 5:49, बहुत कम टाइम है। देखिए मैंने पतीला भी जला दिया तेज़ आँच के चक्कर में। प्याज फ्राई करेंगे सबसे पहले, प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैंने इसमें शामिल किया है अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को अच्छे से भूनेंगे एंड देन फिर हम उसमें ऐड ऑन करेंगे चिकन के पीसेज। ये मैंने 1/2 kg चिकन ली है, ठीक है। चिकन डालेंगे सारी की सारी एंड देन फिर चिकन को हम अच्छे से भूनेंगे इतना कि उसकी हीट मर जाए और जो चिकन की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके बाद जी मैंने 1/2 किलो चिकन के लिए इतने टमाटर लिए हैं, आलू मैंने इतने लिए हैं, आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने आलू टमाटर और डाल दिए थे और मसाला भी एड ऑन कर दिया था, लिखा हुआ आ जाएगा साइड पे, ठीक है। उसके बाद जी ये है सारे ऊपर से लेयर के लिए मसाले, जिसमें आलू बुखारा है, हरी मिर्च है, हरा धनिया, पुदीना और टमाटर है। चावल बॉईल कर लिए थे, आधे मैंने नीचे लगा दिए थे बेस में और आधे छान लिए थे। अब ये ग्रेवी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है तो मैं इसको ऐड करूँगी पतीले में, और अब मैं अपनी शामिल करने लगूँगी लेयर जो मैंने मसाले काटे थे। सबसे पहले शामिल करेंगे टमाटर, अच्छे से स्प्रेड करके सारे में टमाटर डालिएगा। उसके बाद जी मैं शामिल करूँगी पुदीना। पुदीना ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा, अगर किसी को नहीं पसंद होता तो आप थोड़ा कम शामिल कीजिएगा, पर खुशबू के लिए शामिल ज़रूर कीजिएगा।
फिर मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, उसके बाद मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें, ये मैंने स्लिट करके डाली हैं बीच से, दो पांच से छह ली थी मैंने हरी मिर्चें। और आलू बुखारे आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैंने इसमें डाले हैं 7 से 8। उसके बाद जी हम लेंगे एक छोटी सी कटोरी जिसमें हम डालेंगे जर्दे का रंग, उसमें हम डालेंगे केवड़ा, और केवड़ा मिक्स करके उसके बाद हम इसको शामिल करेंगे अपने चावलों के ऊपर। बिरयानी दम लग के तैयार है, रोज़ा खुल चुका है, तो बस हम बिरयानी खा रहे थे। कैसी है बिरयानी? तो जी मस्त सी बिरयानी खा के और सोहा को खिला के सोहा को सुला दिया है, और बस अब मैं चेंज करूँगी, मैं भी लेटूँगी। मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ ली है, अब होगा आराम टाइम। और मेरे गले का जो दर्द है ना, अभी वो कम्प्लीटली सही नहीं हुआ है, अभी भी है थोड़ा थोड़ा। एनीवेज़ कुछ लोग कह रहे हैं वायरल है, और मुझे लगता है कि मुझे ये ऑयली बिरयानी और पराठे जो खा रही थी ना ऑफिस में, उसकी वजह से हुआ है। एनीवेज़ ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके, इन्फेक्शन जाते जाते टाइम लेता है। फिलहाल के लिए व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आप लोगों से मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। कल मेरे घर पे सारे दोस्त भी आ रहे हैं, कल है वन डिश पार्टी, तो आई होप कल का व्लॉग मज़े का बने। तो आपसे मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।